योगा टेक के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो पीपल, मैं हूं गरिमा भंडारी। योगा तक पर आपका स्वागत है। आजकल के हमारे बिजी और फास्ट पेस लाइफस्टाइल में हमारे पास जब खाना ढंग से खाने का टाइम नहीं है और ईटिंग के जो टाइमिंग्स हैं वो भी हमारे बहुत इराटिक हैं। कभी हम जल्दी डिनर खा लेते हैं, कभी बहुत लेट डिनर खाते हैं, तो उसे हमारे पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में अपसाइड डाउन एक तरह का मोशन हो जाता है, जिससे कि वो इरेगुलर हो जाता है। और अगर डाइजेशन इरेगुलर होता है तो हमें ब्लोटिंग की फीलिंग होती है और हमें गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और उससे हमारी स्लीप जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। सो ये ऑल दीज थिंग्स आर वेरी लिंक्ड। तो अगर हम सोने से पहले और खाने के थोड़े समय बाद अगर हम एक इजी आसना एवरीडे प्रैक्टिस करें, इवन ऑन योर बेड अगर आप उसको प्रैक्टिस करें, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो तो कम होता ही है और एट द सेम टाइम आपका जो डाइजेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, एक्टिव हो जाता है एंड आपको गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम करेंगे आज चाइल्ड्स पोज, जो कि बहुत ही ईजी है करने में एंड एज आई सेड कि आप इसको बेड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद आप इसको प्रैक्टिस नहीं करें, थोड़ा सा गैप दें अपने खाने के और इस आसना के बीच में एंड देन यू सी दैट आपको कितनी साउंड स्लीप आती है बिफोर यू गो टू बेड यू प्रैक्टिस दिस आसना। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे बाल आसना यानी कि चाइल्ड्स पोज। बाल आसना करने के लिए आप इस तरह से वज्रासना जैसे पोजीशन में आए, जिसमें कि आपकी जो थाइज हैं वो डायरेक्टली अबव योर शिन है और आपका जो हिप बोन्स है वो आपके हील स्पेस तरह से प्लेस रहेगा। एंड वंस अगेन अपनी बैक को आपको चेक करना है, अपनी स्पाइन का जो अलाइनमेंट है उसको एकदम स्ट्रेट रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है एंड इनहेल करते हुए इस तरह से आप नीचे की तरफ आए और अपने हैंड से इस तरह से आगे वॉक करें एंड अपने स्टमक को अपनी स्पाइन की तरफ आप एक्टिवली उसको सक्ड इन रखें, टाइट रखें, जिससे आपका कोर इंगेज रहता है एंड एब्डोमिनल्स पे एक तरह का प्रेशर आता है। उसके बाद अपने फोरहेड को इस तरह से अपने सामने रेस्ट करें और अपने हैंड से एक आउटरीच करें जहाँ तक आपके हैंड्स जा सकते हैं वहाँ तक एंड अपनी सिट बोन्स को एक्टिवली अपनी हील्स के ऊपर प्रेस रखें एंड अपने ब्लड फ्लो को एक्टिवली अपने हार्ट और अपने ब्रेन की तरफ आने दें। एक तरह से ये एक हिप ओपनर भी है एंड शोल्डर्स इससे आपके ओपन होते हैं, स्पाइन आपकी लेंथन होती है एंड स्किन के ग्लो के लिए भी, क्योंकि इससे एक्टिवली आपके ब्रेन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन रीडायरेक्ट होता है तो स्किन के लिए भी ये एक्सीलेंट है। इससे आपकी स्किन टोन इम्प्रूव होती है, एक नेचुरल ग्लो आता है उसमें एंड हेयर फॉल की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये वंडरफुल पॉस्चर है एंड रात की नींद अच्छी आने के लिए द बेस्ट पॉस्चर आई वुड से। पॉस्चर से वापस आने के लिए आप अपने हैंड्स को इस तरह से बैक लेकर आएं, पीछे की तरफ वॉक करें और अपने पाम्स से फ्लोर को नीचे की तरफ पुश करते हुए अपने पूरे बॉडी को इस तरह से लिफ्ट करें एंड धीरे धीरे अपने सेंटर पर इस तरह से रिटर्न करें। बहुत ही काम और एनर्जाइजिंग पोस्चर है ये आपके माइंड के लिए और आपके फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। बट एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने कहा, अगर आप खाने के बाद इसको थोड़ी देर के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत ही साउंड हो जाती है, आप बीच बीच में उठते नहीं हैं और अगर आपकी स्लीप अच्छी होती है तो आप फ्रेश महसूस करते हैं, फ्रेश उठते हैं एंड आपकी काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसे आप अपना डे स्टार्ट करने से पहले भी प्रैक्टिस करें एंड शाम को स्पेशली सोने से पहले प्रैक्टिस करें अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये एक्सेलेंट है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जैसा कि आई ऑलवेज से कि फीडबैक दें, हमें बताएं, आपके कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल हैं एंड योगा तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एंड फेसबुक पर फॉलो एंड लाइक ज़रूर करें। नमस्ते।